हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज अपने करेंगे बच्चों क्लास 11th मैथमेटिक्स का। अपने पास टॉपिक है एक ट्रिग्नोमेट्रिक, चैप्टर थर्ड है बच्चों। ये अपने पास क्लास 11th जब अपने स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है और ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर आपने क्लास 10th के अंदर भी किया होता है, तो उसी के बेसिक से अपने स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब होता है जिसके अंदर तीन कोण हो, थ्री एंगल्स इन्वॉल्व हो, उसको कहते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक अ ग्रीक वर्ड, कैसा वर्ड है ये, ग्रीक वर्ड है जिसके अंदर ट्रिगोनो और मैट्रिक यानी तीन कोणों के ऊपर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब आपको ये पता है कि तीन कोण वाला जो होता है वो कौन होता है, ट्राइंगल होता है, जिसके अंदर तीन कोण होते हैं, थ्री एंगल्स जिसके अंदर होता है, ट्राइंगल होता है। और उस ट्राइंगल के अंदर भी एक स्पेसिफिक ट्राइंगल अपने पास कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अपने पास अपने इस ट्राइंगल का नेम दे देते हैं एबीसी। इस ट्राइंगल का नेम है बच्चों एबीसी। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक है अपनी, उसका स्टार्टिंग पॉइंट एकदम क्या था, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो 476 के अंदर, यानी अपने पास 476 जो अपने पास ईयर था उसके अंदर आर्यभट्ट ने जन्म लिया था। 476 के अंदर आर्यभट्ट ने जन्म लिया था और उन्होंने एक बुक लिखी थी आर्यभट्टीय ग्रंथ, तो उसके अंदर उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बात की थी। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और वो क्या कर रहे थे कि इस राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स है, जैसे ये सबसे बड़े वाली साइड जिसको अपने हाइपोटेनस बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कर्ण बोलते हैं। उसके बाद ये जो बीसी है ये है बेस, इसको हिंदी में बोला जाता है आधार, और ये एबी जो है ये है लंब, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वो इसके जो साइड्स है इसकी, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, कर्ण, लंब, आधार, सबसे बड़ी साइड होती है इसकी हाइपोटेनस, तो इनके ऊपर वो क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि वो क्या कर रहे थे, इनका रेशियो फाइंड कर रहे थे। तो वो जो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो फाइंड जब उन्होंने किया तो इसका उन्होंने नाम रखा जया। क्या नाम रखा, जया, जया जिसको बोलते हैं अपने, और वैसे इसको कहा जाता है साइन थीटा कहा जाता है। अभी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो था उसको क्या कहा गया, उन्होंने जया कहा था, लेकिन अब क्या कहा जाता है, साइन थीटा कहा जाता है, क्योंकि यहां से जो अपने ग्रंथ है वो कहां पे चले गए थे, उधर यूरोप के अंदर चले गए थे। जैसे जैसे ये भारत जो थे अलग अलग देशों के उपनिवेश बनता गया, तो वहां से जो अपने ग्रंथ थे वो और कंट्रीज के अंदर जाते चले गए, जहां से जो ज्ञान था वो भी पूरे वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड हो गया था। तो उसके बाद ये जो साइन थीटा था जिसको जया कहा गया था, उसको साइन थीटा लिखना शुरू कर दिया था। एक्चुअली था क्या, वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो जो आ रहा था। उसके बाद जो उन्होंने बेस और हाइपोटेनस का रेशियो निकाला, आधार और कर्ण का, उसको उन्होंने कहा कोज्या, जिसको आज आप क्या कहते हो, कोस थीटा कहते हो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो या अनुपात निकाला, जिसको उन्होंने कहा स्पर्शजया, जिसको उन्होंने क्या कहा, स्पर्शजया, जिसको आप आज क्या कहते हो, टेन थीटा कहते हो, ठीक है, आई बात समझ। तो आर्यभट्ट क्या कर रहे थे कि इनका अनुपात निकाल रहे थे, इनका रेशियो फाइंड कर रहे थे, इनकी जो साइड्स थी जैसे परपेंडिकुलर और ये जो अपने पास हाइपोटेनस है इसका रेशियो निकाल लिया। मान लो ये 3 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर था और ये 4 सेंटीमीटर था, तो वो क्या कर रहे थे, इनका अनुपात निकाल रहे थे, 3/5, 4/5, ऐसे 3/4, तो ये इन सभी का रेशियो निकाल रहे थे। तो ऐसे उन्होंने इनका नेम दिया, इसको जया कह दिया, इसको कोजिया कह दिया, इसको स्पर्शिया कह दिया। फिर 10 के बाद क्या आता है, कोट, कोट क्या होता है, बेस कोण में परपेंडिकुलर, और इसके बाद कोट के बाद सेक थीटा, सेक थीटा को क्या लिखेंगे अपने, हाइपोटेनस कोण में बेस, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो गया फिर, कोसेक थीटा, ये क्या अपने पास है, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये जो रेशियो है इनको याद करने के लिए अपने जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है वो तो याद करते हैं पीबीपी अपॉन में एच एच बी।
आपको बताइए फर्स्ट जो रेशियो है पी अपॉन में एच, ये क्या है आपके पास साइन थीटा, और इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या है कोसेक थीटा एच अपॉन में पी। जो सेकंड वाला रेशियो है बी अपॉन में एच वो क्या आपके पास कोस थीटा, और इसका रेसिप्रोकल जो है वो क्या है सेक थीटा है, और इसका थर्ड आपके पास है टेन थीटा। टेन थीटा क्या है जो पी अपॉन में पी, और इसका रेसिप्रोकल क्या है आपके पास कोस थीटा बी अपॉन में पी। तो अगर इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिखते हैं पीबीपी अपॉन में एच एच बी, या शॉर्टकट में अगर अपने बोले तो पंडित बद्री प्रसाद और हीरो होंडा बाइक, ऐसे याद कर लो। हिंदी मीडियम में बच्चों अपने लिखते हैं इसको लाल बटे कक्का, लंब करण आधार करण लंब आधार आधार लंब करण आधार करण लंब, इस तरीके से अपने इसको क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनों को ये पता होना चाहिए कि जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो सारे राइट एंगल ट्राइंगल पर ही किए गए थे, तो इन सभी को ये जो रेशियो है इनका सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, इनके नेम पता होना चाहिए साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। अब इन्हीं वर्ड्स को याद रखते हैं जया कोजे और सुपर्जया, पहले बोला जाता था इनको, लेकिन अब ओवरऑल यूनानिमसली इनको साइन थीटा कोस थीटा टेन कोट सेक कोसेक बोला जाता है। ये क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, इनको त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। ये छह होते हैं अपने पास साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो बच्चों साइन और कोसेक जो होते हैं वो प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, याद रखना साइन और कोस, क्योंकि साइन और कोस से मिलके ही बाकी बनते हैं। क्योंकि आपको टेंथ क्लास में पता था कि साइन अगर पी अपॉन एच है तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक हो गया, कोस अगर बी अपॉन एच तो कोस का रेसिप्रोकल सेक हो गया, और साइन बटा कोस आपको पता है टेन होता है, और कोस बटे साइन क्या होता है कोट होता है। तो आपको पता है कि सभी इन्हीं से मिलके बने हुए हैं, इसलिए साइन और कोस को कैसे कहते हैं प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब अपने इसके आगे बढ़ते हैं, बच्चों ध्यान से सुनिए। इसके बाद अपने पढ़ते हैं बच्चों एंगल मेजरमेंट के जो तरीके हैं टाइप्स ऑफ एंगल मेजरमेंट। अपने पास सेकंड इसके अंदर टॉपिक है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर ये थीटा है, आपको पता है थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं परपेंडिकुलर या लंब या हाइपोटेनस हो गया कर्ण, और ये बेस हो गया इसको आधार कहते हैं। अब बच्चों ये जो थीटा है आप बोलते थीटा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री या 180 डिग्री, तो ये जो अपने इसका ट्रिग्नोमेट्रिक का ये जो थीटा है इसको जिस फॉर्म में बोल रहे हैं वो जो थीटा है वो डिग्री की फॉर्म में अपने बोल रहे हैं, इसको डिग्री की फॉर्म में बोल रहे हैं। ये डिग्री की फॉर्म जो होती है इसको बोला जाता है ये सेक्साजेसिमल सिस्टम है, सेक्साजेसिमल सिस्टम, और इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो कि यहां पे 0 डिग्री है, ये अपने एक प्रोटेक्टर के बारे में बात करें, जैसे आपके पास एक डी है, अब ध्यान से देखिएगा ये आपके पास एक डी है, यहां पर 0 डिग्री होते हैं आपको पता है, यहां पर क्या होता है 90 डिग्री, और यहां पर क्या होता है 180 डिग्री, और यहां क्या होता है अगर आप 180 के बाद 90 और चलोगे तो यहां पर कहां पहुंच जाओगे आप 270 पे, और फिर दोबारा पहुंच जाओगे आप 360 पे। 360 और 0 एक ही लाइन के होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि 0 डिग्री का मतलब है कि अपने स्टार्ट ही नहीं हुए, और 360 डिग्री का मतलब है कि अपनों ने 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है, यानी एक चक्कर पूरा लगा लिया है। डिग्री सिस्टम के अंदर जो अपने एंगल्स को डिग्री में काउंट कर रहे हैं जिसको सेक्साजेसिमल सिस्टम बोला जाता है, तो इसके अंदर जो एंगल होते हैं वो 360 पे खत्म नहीं होते, 1 रिवॉल्यूशन के बाद एंगल खत्म नहीं होते, एंगल चलते रहते हैं, बस वो रिवॉल्यूशन चलता रहता है अपना। ये जो 0 से 90 डिग्री है ये है अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 डिग्री से 180 डिग्री है बच्चों ये अपने पास है सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से लेकर 270 डिग्री वाला है थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 वाला है ये अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब अपने ये नहीं कहेंगे कि 360 के बाद 90 और प्लस कर दिया, जैसे अपने 450 360 से 450 जो है फिफ्थ क्वाड्रेंट हो गया, नहीं बच्चों वो फिफ्थ क्वाड्रेंट ये उसी को भी फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बोलेंगे, क्वाड्रेंट तो ओवरऑल फोर ही रहते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास डिग्री में अपनों ने एंगल को काउंट किया है, लेकिन एक और सिस्टम होता है एंगल को काउंट करने का जिसको कहते हैं अपने सर्कुलर सिस्टम,
जिसे अपने कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम के अंदर देखो बच्चों क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं वृत्तीय पद्धति। अब ध्यान से देखिए, वृत्तीय पद्धति या सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, वही ये जीरो है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। अब ध्यान से देखो, सर्कुलर सिस्टम में उन्होंने क्या किया, गणितज्ञों ने, मैथमेटिशियंस जो थे, उन्होंने इस 180 को एक निशान दे दिया, जिसको अपने बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं अपने, पाई। तो सर्कुलर सिस्टम को रेडियन सिस्टम भी बोला जाता है, मोस्टली यही वर्ड यूज होगा, रेडियन, रेडियन सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम। 180 डिग्री को क्या लिख दिया उन्होंने, पाई। अब ध्यान से सुनो बच्चों, 180 डिग्री को अगर पाई लिखा जाए तो 90 डिग्री को क्या लिखा जाएगा, 90 डिग्री को लिखा जाएगा 180 का हाफ, यानी पाई का हाफ, तो पाई बाय 2 लिखा जाएगा। और जो 270 डिग्री है वो क्या है, वो 180 के अंदर 90 और प्लस हो गया, यानी पाई के अंदर क्या प्लस हो गया, पाई बाय 2। इसलिए ये देखो 2 इंटू पाई, 2 पाई प्लस पाई, ये बन गया 3 पाई बाय 2। इसलिए 270 डिग्री को रेडियन की फॉर्म में क्या लिखा जाता है बच्चों, 3 पाई बाय 2 लिखा जाता है। अब ध्यान से सुनो, 180 डिग्री को अगर पाई लिखा जाए तो बताओ 360 को क्या लिखा जाएगा। जो 180 डिग्री को पाई लिखा है, 360, 180 का डबल है, तो 360 को क्या लिखा जाएगा, 2 पाई लिखा जाएगा। आइए आपको बात समझ। तो ये क्या है, अपने पास सर्कुलर सिस्टम है। अब अपने सर्कुलर सिस्टम के बारे में और बात करते हैं, ध्यान से सुनते जाइए आप। जैसे जैसे आपको समझ आता जाए वैसे वैसे आप साथ ही साथ इसको नोट करते रहिएगा, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, आपको समझ आता जाए। अब देखो बच्चों, ध्यान से सुनो, सबसे पहले बात करते हैं 1 डिग्री का मतलब होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा, 1 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री स्टार्ट कहां से हुआ, बना कहां से, ध्यान से सुनो। मैथमेटिशियंस सभी के सभी बैठे थे किसी एक ग्लोबल जगह पे, इनकी मीटिंग हुई, वहां पर क्या हुआ कि 1 डिग्री डिसाइड करना था क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक साल के अंदर टोटल डेज होते हैं 364, 1/4, और वीकेंड से 365, तो लगभग क्या होते हैं ये 360 के पास होते हैं। तो उन्होंने ईच डे को 1 डिग्री लेट कर लिया था, जिससे इसकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए टोटल 1 रिवोल्यूशन को देखो, क्योंकि धरती जो एक चक्कर लगाती है, इस 1 रिवोल्यूशन को क्या लेट कर लिया गया था, टोटल 360 डिग्री लेट कर लिया गया था। इसलिए 1 डे को किससे एज्यूम कर लिया उन्होंने, 1 डिग्री से एज्यूम कर लिया था। इसलिए टोटल 1 रिवोल्यूशन के अंदर कितने एंगल होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। क्योंकि 365 या 364 1/4 लेते तो उससे कैलकुलेशन के अंदर बहुत प्रॉब्लम आ जाती। इसलिए फ्यूचर के अंदर पूरी डिग्री मेजरमेंट सीखने के लिए, या डिग्री मेजरमेंट के ऊपर फ्यूचर में बहुत वर्क हुआ। जो भी आप बिल्डिंग्स देखते हैं आज, जितनी भी इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं उनके अंदर अगर अपने बात करें, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट यूज होता है उसके अंदर 360 डिग्री लेने से कैलकुलेशन ज्यादा सही हुई। इसलिए उन्होंने टोटल 360 डिग्री ले लिया, और 1 रिवोल्यूशन के अंदर, और 360 डिग्री को अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर ले अगर अपने, तब ये पहला 0 डिग्री हुआ, फिर यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि 360 को अगर अपने 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करें, तो देखो ईच क्वाड्रेंट हुआ 90 डिग्री का। इसलिए ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री हुआ। तो क्यों हुआ, टोटल डेज होते हैं साल के अंदर 364 या 365, तो उनको इंटीजर्स के अंदर लेने के लिए उन्होंने क्या ले लिया, टोटल 360 डिग्री ले लिया था 1 ईयर को, और ईच डे को 1 डिग्री लेट कर लिया था। अब ध्यान से सुनो, अब अपने पास क्या हुआ, अपने पास 1 डिग्री होता कितना है। अब ध्यान से सुनो, 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो, लेट कर लो कि ये जो सर्कल है इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिएगा, अगर इस सर्कल की रेडियस है 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट अगर अपने कहे, और अगर अपने यहां से इस 0 वाले पॉइंट से स्टार्ट होकर 1 सेंटीमीटर ही चले, कितना चले 1 सेंटीमीटर,
वैसे तो ये 1 सेंटीमीटर से बहुत ज्यादा चला हूं मैं, लेकिन अप्रोक्स मान लो कि अप्रोक्स ये 1 सेंटीमीटर है, बड़ा मेजरमेंट लेके चल रहा हूं, मान लो ये 1 है और ये भी अपने 1 सेंटीमीटर चले हैं, तो जब ये रेडियस भी 1 होगी और ये आर्क भी यानी ये चाप भी 1 होगा, तो सेंटर पे जो एंगल बनता है बच्चों वो होता है 1 डिग्री का। भाई बात समझ, जब यहां पे इसकी रेडियस, एक सर्कल की रेडियस भी 1 हो और इसका आर्क भी 1 हो, 1 यूनिट का हो, तो यहां पर क्या होता है कि जो ये एंगल बनता है वो बनता है 1 डिग्री का। भाई बात समझ, जैसे एक और, जैसे मान लो आपने एक सर्कल बना लिया, 1 सेंटीमीटर का सर्कल है, अगर आपकी ये रेडियस 1 है और आप ये आर्क भी 1 सेंटीमीटर का, चलो ये आर्क 1 सेंटीमीटर का चलो, तो ये आपका जो एंगल बनेगा ये 1 डिग्री का बनेगा। आई बात समझ, ऐसे ही ऐसे चलते गए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यहां पर एकदम स्ट्रेट में क्या आ गया 90 डिग्री, फिर 90 ऐसे और चले 180 आया, फिर ये 270 आ गया और ऐसे क्या आ गया 360 डिग्री आ गया। इसके बाद देखो जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री जो होता है उसके भी मैथमेटिशियंस ने 1 डिग्री को भी आगे 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे अपने 1 मिनट को 60 सेकंड में डिवाइड करते हैं या 1 घंटे को 1 आवर को 60 मिनट्स में डिवाइड करते हैं, वैसे उन्होंने भी इस 1 डिग्री को 60 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो ये 60 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और ईच पार्ट को, प्रत्येक हिस्से को उन्होंने क्या कहा, 1 मिनट बोला उन्होंने। तो 1 डिग्री के अंदर टोटल मिनट्स कितने होते हैं, 60 मिनट, 60 मिनट होते हैं। और इन्हें ऐसे लिखा जाता है 60, ये एक ऊपर क्या लगाया जाता है, डैश लगाया जाता है, मिनट्स को ऐसे लिखा जाता है 60 मिनट्स। अब 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट को भी उन्होंने 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बच्चों, ये जो मिनट है ना इसको भी आगे 60 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो पूरा जो 1 डिग्री था उसको 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया और ईच पार्ट को उन्होंने क्या कहा, ईच पार्ट को उन्होंने कहा मिनट। तो 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट हुए, 60 मिनट्स हो गए। और उन्होंने मिनट को भी 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे अपने सिंपल करते हैं आवर को भी मिनट में डिवाइड कर देते हैं, फिर मिनट को भी सेकंड्स में डिवाइड कर देते हैं, वैसे इन्होंने मिनट को भी 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ईच मिनट को 60 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसे कहते हैं 60 सेकंड्स, कहते हैं 60 सेकंड्स में डिवाइड हो गया। अब ध्यान से सुनिए कि अपने पास एक तो सिस्टम था डिग्री वाला और एक था अपने पास रेडियन वाला। जैसे जैसे आपको समझ आता जाए वैसे वैसे वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहिएगा, ये डायग्राम, ये जो मैंने लिखा है सब कुछ। तो देखिए बच्चों, इसके बाद डिग्री और रेडियन दो अपने पास फॉर्म थी एंगल को रिप्रेजेंट करने की। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई एंगल डिग्री में दिया हो तो उसको रेडियन में कैसे लिखे, और रेडियन में दिया हो तो डिग्री में कैसे लिखे, यानी अपने अब टॉपिक करेंगे कि इनको आपस में इंटरचेंज कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अपने करते हैं कि आपको कोई डिग्री में दिया हो उसको रेडियन में चेंज कैसे करोगे आप, डिग्री टू रेडियन में अपने कैसे चेंज करेंगे। डिग्री टू रेडियन में चेंज करने के लिए, जैसे आपके पास 60 डिग्री है, 90 डिग्री से एग्जांपल लेते हैं, देखो 90 डिग्री है जैसे आपके पास, तो 90 डिग्री को अगर आप रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो पहले लिखो इन रेडियन। रेडियन क्या होता है बच्चों, रेडियन होता है जिसके अंदर आपको पाई दिखे, ठीक है, जो पाई की फॉर्म में था। तो अगर आपको रेडियन में किसी को चेंज करना होता है तो उस डिग्री वाली डिजिट को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। सिंपल सी बात है कि उस डिग्री वाली डिजिट को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 90 से 180 कैंसिल हो गया, 2 बच गया, तो आंसर क्या आ गया, पाई बाय 2। दिस मीन्स 90 डिग्री को क्या कहा जाता है, पाई बाय 2 कहा जाता है, और अपने डायग्राम बनाया था उसमें भी पाई बाय 2 आता है, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो बच्चों 60 डिग्री को क्या कहा जाएगा रेडियन की फॉर्म में, तो 60 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से, तो 60 को 180 से कैंसिल कर दिया, 3 आ गया, तो पाई बाय 3। तो देखो बच्चों 60 डिग्री को क्या कहते हैं, पाई बाय 3 कहते हैं। ऐसे ही आप फाइंड कीजिएगा कि 30 डिग्री को क्या कहते हैं, 45 डिग्री को क्या कहते हैं, ये मैं आपको एग्जांपल बोल रहा हूं, ये आप खुद कीजिएगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री। तो 15 की टेबल के जितने भी एंगल्स हो
उनको आप सभी को रेडियन में चेंज करके देखिएगा आप, और उनकी एक टेबल बना लेना, आप उन्हें लर्न कर लीजिएगा, आपको फ्यूचर में वो काम आएंगे। ठीक है, ये डिग्री टू रेडियन अपने सीख गए। अब देखो बच्चों, अब रेडियन टू डिग्री अपने करते हैं, ध्यान से देखिएगा। रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री के अंदर क्या होता है बच्चों अपने पास, रेडियन टू डिग्री के अंदर जो अपने पास रेडियन की फॉर्म में दिया है, जैसे पाई बाई टू दिया है, अगर आपको इसको डिग्री में चेंज करना हो तो लिखो इन डिग्री, इस पाई बाई टू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपने, जब डिग्री से रेडियन में करते थे तो करते थे पाई बाय 180 से, अगर आप रेडियन से डिग्री में कर रहे हो तो 180 अपॉन में पाई से कर लो, तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 को 180 को 2 से कैंसिल करेंगे 90, तो देखो ये 90 डिग्री, तो पाई बाय 2 को 90 ही तो कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पाई बाय 3, देखो पाई बाय 3 को अगर आप डिग्री में चेंज करना चाहते हो तो 180 अपॉन में पाई से अपने मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 180 कैंसिल हो गया 60 पे, तो ये क्या आ गया आपके पास 60 डिग्री। तो देखो बच्चों, आज अपनों ने इसका बेसिक किया है ट्रिग्नोमेट्री का, क्लास 11th की मैथमेटिक्स का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसका बेसिक किया है आपने, बुक के अंदर इसके एग्जांपल्स आप रीड कर लीजिएगा और कुछ करके देखना। इसकी जो नेक्स्ट बेसिक का पार्ट है या जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।